गुड इवनिंग टू एवरी वन वेलकम टू ऑल और कैसी रही आप सबकी होली तो आई होप कि आप लोगों ने सबने एन्जॉय किया होगा एंड बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने होली को मनाया होगा तो चलिए आप जरा जिंदगी की भी कुछ चीजें है ना जो जरूरी है जिंदगी के लिए वो कर लिया जाए क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी चल रही है वो भी जरूरी है तो, कुन -कुन है ना तो कौन कौन है अभी लाइव तो शेयर कर देंगे वीडियो को और वैसे तो आज मेरे ख्याल से सारे लोग जो है बिजी ही होंगे बट अपने फ्यूचर को लेकर के आप सिंसियर रहिए Uh, सारी चीजें जरूरी हैं हाँ ना हर चीज का एक अपना दायरा होता है बट हर एक चीज के लिए उतना ही टाइम देना चाहिए जितना जरूरी है ठीक uh, है तो चलिए आज के सेशन में uh, कुछ क्वेश्चन uh, को पढ़ लिया जाए हम्म हम्मलीस गुड इवनिंग सर बहुत देर से वेट कर रहे थे आपका ओके थैंक्स फॉर वेटिंग आईज है ना थोड़ा सा मैं भी बिजी था ठीक uh, है चलिए तो मैं अभी पहुंचा हूं जस्ट स्टूडियो में तो अभी जो है आपके क्लास है ना शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आज का जो है वो ये है मसल्स गेट फटीग ड्यू टू द ऑफ किसके जमा होने से जो मांसपेशियां होती हैं उनमें थकावट महसूस होती है होती है ना किस चीज के जमा होने से जो है वो थकावट महसूस होती है मांसपेशियों में तो क्या सही आंसर आप लोग चूज कीजिएगा ठीक है चलो मनीषा चौहान ओके संजीव कुमार सुमैया मिस्टर गौतम कुमार हैप्पी होली भाई एंड बिलेटेड हैप्पी होली टू ऑल जो हाँ भाई तो क्या चुना है आप लोगों ने तो देखिए जो दरअसल होता ये है कि जब हम मसल्स को ज्यादा स्मैल करने लगते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है बढ़ने लगती है और उतनी ऑक्सीजन फिर वहां पर पहुंच नहीं पाती उन मसल्स की जो सेल्स होते हैं तो जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे ये होता है कि फटीकनेस आती है क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है है ना तो लैक्टिक एसिड जब जमा ज्यादा होने लगेगा तो दर्द महसूस होता है ठीक है और इससे जो है आ, मसल्स में आ, दर्द होता है उसके अलावा एक चीज़ और डिपोजिट होती है जैसे यूरिक एसिड बढ़ने लगे आ, पैर के तलवों में तो दर्द होता है टांगों में दर्द होगा तो यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तब भी दिक्कत होती है उसके अलावा अगर यूरिक एसिड बुढ़ापे में अगर देखें जब किडनी सही से काम नहीं करती हैं किडनी सही से काम नहीं करती हैं तो क्या होता है कि बूढ़े लोगों के अपने आपने अक्सर देखा होगा कि मुँह सूझ जाता है पैर सूझ जाते हैं और जब बूढ़े लोगों के पैर सूझने लगते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब वक्त इनक्रीब सा लग रहा है मुंह भी सूझ गया है इनका तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने लगता है कई बार बहुत कम एज में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है समझ रहे ना तो जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ से महसूस होता हो जैसे पैर सुबह सुबह उठते हो तो पैर न रखा जाता हो वैसे जो पैर में दर्द होता है वो विटामिन डी की कमी से भी होता है और विटामिन ई की कमी से भी थकावट होती है एंड जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनके अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है इसलिए जो है उन्हें भी थकावट महसूस होती है क्योंकि जिसमें विटामिन डी की कमी होगी जिसमें विटामिन डी की कमी होगी उसमें जो है जिसमें विटामिन डी की कमी होगी उसमें पक्का जो है कैल्शियम की कमी होगी ही होगी तो समझ रहे हैं तो कई वजह है है ना कि तो याद रखिएगा आप जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा कम जमा होने लगता है तो उनको चाहिए कि वो खूब लिक्विड इंटेक ज़्यादा करें ठीक है और उसके अलावा Uh, मतलब पाइनएप्पल वगैरह का जूस ये सब जो है ज्यादा लें लेकिन पाइनएप्पल का जूस या है ना मौसमी का जूस ये सब ले सकते हैं नारियल पानी ले सकते हैं खूब लिक्विड इनटेक बट एक चीज़ याद रखिएगा जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं जो गर्भवती होती हैं उन महिलाओं को जो है वो पाइनएप्पल का जूस या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए ना पीना चाहिए ना ही उसका जूस ना ही उसे खाना चाहिए पाइनएप्पल हो गया मूली हो गई है ना उसके अलावा जैसे पपीता है ना इनको बताया जाता है सबको ठीक है चलो। तो ये सभी आंसर जो है आपका ठीक है ना अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ठीक है तो ये मसल्स के होने की वजह से था तो ये जो ऐसा दर्द महसूस होने लगता है अगर आपने हाथ को ऐसे करके चलाने लगे तो आप थोड़ी देर ही चला पाएंगे बाद में यहाँ पर सब में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगेगा और थकावट महसूस ही होने लगेगी राइट ना जब हम किसी एक ही पोजिशन में कोई चीज करते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है अगला है विच आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू फटीग अब देखो आपको बताना है कि इनमें से जो फटिकनेस होती है जो थकान के लिए बेहद प्रतिरोधी है वो कौन सा है है ना थकावट के लिए जो बेहद प्रतिरोधी है वो कौन सा है जिससे थकावट कम महसूस होगी मतलब जो है थकावट ना के बराबर होती है या मान करके चलो होती ही नहीं है है ना तो वो क्या होना चाहिए भाई ऑप्शन है आपका हृदय संबंधी मांसपेशी जो हृदय से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं दूसरा कंकाल की मांसपेशियां ठीक है कंकाल की मांसपेशियां देन क्या है और ये है इस स्ट्रिप मसल जो होती है धारी धारे स्नायु बोल देते हैं या 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 नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं तो वो भी आंसर। तो शुड आंसर कहने का मतलब ये है सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन में थकावट सबसे कम महसूस होगी तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख करके आप आंसर किए जैसे कुमारी नेह ने किया है कि भाई लिख करके आंसर किया उन्होंने तो आप लिख करके आंसर क्या करिए है? है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लिख रहे हैं देखो यार आपकी है ना जो है ठीक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है आ, एनर्जी को सही डायरेक्शन देना जरूरी होता है गेट टूगेदर आपने किया एंजॉय किया आज होली को बट उसके बाद में अब जो है आगे की तैयारी में लग जाइए है ना क्योंकि अगली होली जो है आपको अपनी जॉब के साथ मनानी है और जिन लोगों की जॉब लग चुकी है उनको और प्रमोशन करना है अपना है ना और बड़ी तैयारी करनी है ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग मसल्स होती है तो दिल की जो धड़कन होती है दो हो, मतलब दिल की धड़कन के बीच में जो गैप होता है हल्का सा क्योंकि दिल धड़कता है तो उसमें हल्का सा कॉन्टेक्शन रिलैक्सेशन जब चलता है तो एक बीच का गैप होता है हल्का सा उसी में दिल आराम कर लेता है <clears throat> समझ रहे ना उसी में दिल आराम करता है तो याद रखियेगा वही है तो जो है इसमें थकावट नहीं होती माँ के गर्भ से लेकर के और ज़िंदगी के आखिरी दिन तक जो है दिल का काम पंपिंग करना होता है और दिल कभी रेस्ट नहीं करता प्रॉपर तरीके से क्योंकि अगर दिल ने रेस्ट कर लिया तो हम रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे ठीक है तो दिल जो है वो बहुत ही कम आ, क्या है मतलब आप कह लें कि है ना जिंदगी भर आराम नहीं करता स्केलेटल मसल जो होती है हमारी हाथ पैरों की मांसपेशियां होती हैं है ना लिम्स वगैरह में जो होती है हमारे तो थकावट महसूस होती है इस तरह से स्टिप मसल जो होती है है ना ये भी मसल से जुड़ी हुई चीज है ठीक है खास करके जो स्टिप मसल्स होती है हमारी ठीक है तो इनमें भी क्या है थकावट महसूस होती है लेकिन जो दिल की मसल्स होती हैं कार्डिक मसल्स है ना उनमें जो है थकावट महसूस नहीं होती है अगला सवाल देखिए क्या है मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है मांसपेशियों के अध्ययन को आ, क्या कहा जाता है ऑप्शन आप देखेंगे देखिए जैसे हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करने लगे तो कुछ और नया नाम तो नहीं होगा कार्डियोलॉजी को तो है आप क्या कहेंगे कार्डियोलॉजी ही कहेंगे कार्डियोलॉजी कहेंगे और दूसरा जो है मायोलॉजी को आप क्या है मायोलॉजी ही कहेंगे और माओलॉजी ठीक है देन क्या है नहीं माइकोलॉजी है एक मिनट क्या है ये माइकोलॉजी तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका माइकोलॉजी है माइकोलॉजी और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है मायोलॉजी है मायोलॉजी ठीक है इसका अगला ऑप्शन जो है वो क्या है मिनरोलॉजी है मिनरोलॉजी ठीक है तो मिनरोलॉजी को हम जो है वैसे हिंदी में बोलते हैं खनिज विज्ञान ठीक है तो यहां पर सुबिया का आंसर आ रहा है क्या माइकोलॉजी ठीक है हाँ मनीषा चौहान ओके अभी आंसर आ, नहीं मायोलॉजी <coughs> ओके okay. तो यहां पर मेजोरिटी का आंसर जो है वो मायोलॉजी आ रहा है बट याद रखेगा कि जो माइकोलॉजी बता रहे हैं बी आंसर जो बता रहे हैं उनका आंसर निहायत गलत है दरअसल माइकोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी होती है वो फंगस की स्टडी होती है फंजाई फंजाई मतलब कबक जो कबक होता है फपूंदी होती है इसका अध्ययन करना कहलाता है माइकोलॉजी और जब जब मैंने आपको मायोलॉजी माइको लिखा माइकोलॉजी लिखवाई होगी तो मैंने आपको ये दोनों एक जगह कंपेयर करने के लिए ज़रूर लिखवाए होंगे थ्योरी की क्लासेस में तो देखिए जो कार्डियोलॉजी है वो दिल का अध्ययन होगा तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा देन सही आंसर जो है वो आपका मायोलॉजी है मायोलॉजी है मायोलॉजी में क्या है सी हट हुआ है हाँ ठीक है तो याद रखेगा कि मायोलॉजी जो है वो मांसपेशियों का अध्ययन करना कहलाता है मिनरोलॉजी जो है वो खनिज विज्ञान इसको कहा जाता है खनिज से रिलेटेड है तो खनिज विज्ञान जो है वो आपका कौन सा है मिनरोलॉजी है ठीक है ना चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है लार्जेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड इज दुनिया की जो सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी है लार्जेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जो है मछली कौन सी है ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है उड़ने वाली फिश के बारे में पूछ लेगा सबसे छोटी वाली फिश के बारे में पूछ लेगा है ना इस तरह से कौन सा करंट मारती है वो सब भी पूछ लेगा जी सर लिखवाए थे सॉरी कंफ्यूज हो गए थे कोई बात नहीं सुमैया यहाँ पर गलती हो जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता बट आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए आ, पढ़ने में गलती होगी जो ही निशा ओके आ, कोई बात नहीं तो दुनिया की जो सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी है ऑप्शन है आपका ब्लू व्हेल यानी नीली हुए दूसरा है आपका व्हेल शार्क हम्म ठीक है तीसरा है आपका पीडो साइप्रिस ठीक है पीडो साइप्रिस है देन का हिल्सा हिल्सा इलिसा पूरा नाम होता है इसका जैसे साइंटिफिक नेम होते हैं ना रोहू का जैसे रोहू रोहू सॉरी उसका होता है लेबियो रोहिता कतला कतला है ना इस तरह से करके संजीत कुमार ठीक है भाई चलो तो गोल्डी सिंह हुल शार्क बिलूहल तो अब देखिए जो हुल शार्क है वो दुनिया की सबसे जो है क्या है बड़ी मछली है वेल शार्क जो है वो वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी मछली है वेल शार्क है ना वेल शार्क और एक होती है ओनली शार्क एक जो होती है ओनली शार्क होती है जो ओनली शार्क होती है अगर इसके बारे में समझा जाए तो भाई ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है बहुत ज्यादा जो है मारती है ये ठीक है अफरोज़ आलम अफरोज ये टारगेट विल एप्लीकेशन लिखा हुआ है टारगेट विल आप आ, कहां पर प्ले स्टोर में जाकर लिखिए टारगेट विल ऐप वहां पर रजिस्टर कर लीजिए और उसमें फिर पेड कोर्स में जाइए आपको बीपीएससी का चाहिए चाहे प्लस बी का चाहिए तो उसमें फोल्डर्स बने हुए हैं उन पर क्लिक करिएगा और ध्यान से देख करके जो भी आपको बैच चाहिएगा क्योंकि कई बैच होते हैं कुछ कॉम्बो होते हैं कुछ नॉर्मल होते हैं एक एक बैच होता है एक है ना कुछ जो है जनरल पेपर के साथ होते हैं तो उस तरह से बैच होगा आप लेना अगर कोई दिक्कत आए तो फिर इस पर कॉल कर लेना है ना तो आपकी जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी ठीक है तो हाँ क्या बता रहा था मैं तो ये जो व्हेल शार्क होती है सबसे सॉरी खाली जो शार्क होती है ओनली ये मोस्ट डेंजरस फिश ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है आ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमन को आ, मार देती है आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी प्रहाना प्रहाना जो मछली है वो भी बड़ी खतरनाक होती है बट उसकी दखल अंदाजी ऐसी जगह कम है जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस है ना तो उसके बारे में ज़्यादा एविडेंस मिलते नहीं है समझ रहे ना तो जो सबसे खतरनाक है सबसे खतरनाक मछली जो है वो कौन सी होती है शार्क है अब ये है हुएल शार्क हुएल शार्क वास्तव में एक मछली होती है अब जो ब्लू व्हेल है इसको ब्लू व्हेल को क्यों हुएल नाम दिया जबकि ये तो स्तनधारी है ब्लू व्हेल जो है मछली नहीं होती ये एक मैमल होती है क्या होती है मैमल मैमल मतलब क्या हो गया स्तनधारी स्तनी या स्तनधारी स्तनपाई कह लीजिए तो ये जो स्तनधारी एक्चुअली इसकी जो बनावट है इसकी जो बनावट है देखने में हुईल शार्के जैसी लगती है इसलिए उसका नाम ब्लू व्हेल रखते हैं और हल्की नीली सी भी महसूस होती है जबकि वो अपने आप में जो है वो एक क्या है मैमल है स्तनधारी है और ये कैसी ब्लू व्हेल इतना बड़ा जानवर है दुनिया का सबसे बड़ा जानवर यही है सबसे बड़ा जंतु यही है वो अलग बात है कि एक्वेटिक होता है पानी में पा जाता है और इसके दिल की धड़कन बाहर से सुनाई देती है है ना इसका दिल इतना बड़ा सा होता है कि बाहर से है ना दिल की धड़कन सुनाई देती है और जो ब्लू ब्लूएल है ये उल्टी अगर कर दे उल्टी कर दे तो उसकी उल्टी करोड़ों रुपए में बिकती है क्योंकि उससे बहुत ही क्या है मेडिसिन बड़ी अच्छे अच्छे लेवल की मेडिसिन बनाई जाती हैं तो लाखों पता नहीं करोड़ों में कितने में इसकी उल्टी बिकती है जब ये है ना वॉमिट कर देती है तो उसमें ऐसा कुछ होता है जिससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है तो ये जो आप देख रहे हैं देखिए ज़रा थोड़ा सा तो जो ल शार्क है वो कुछ इस तरह की मछली है जैसा आप यहाँ पर आ, देख पा रहे हैं एक चीज और गौर से देखिएगा कि इनके नीचे छोटी छोटी सी मछलियां मजे करती हैं इनकी बॉडी पे और ऐसे ही व्हिल की बॉडी पे चिपकी रहती हैं छोटी छोटी मछलियां और उनकी बॉडी पर जो है वो क्या है एलगी लगे होते हैं <laughs> तो वो कौन से रिलेशन में रहते हैं ठीक है तो उसको हम जो है आ, क्या बोल देते हैं कोमेंसलिज्मिज्म में रहते हैं ठीक है ना चलो तो ये देख लीजिएगा ये कुछ जो है है ना ये देखने में वैसी ही है आ, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली है अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश है ना इनमें से कौन सी जो है वो वास्तविक मछली नहीं है ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है ऑप्शन है आपका है गंबूसिया है ना दूसरा सिल्वर फिश देन देन क्या क्या है है कैट फिश देन है फिश डॉग डॉग फिश मतलब कुत्ता मछली है ना अगर हम शुद्ध हिंदी ट्रांसलेट करें तो इसकी कैट फिश मतलब क्या हो गई बिल्ली मछली मछली बिल्ली मछली देन क्या है सिल्वर फिश चांदी मछली देन क्या है गंबूसिया तो इनमें कौन सी मछली नहीं है है ना यही पूछा है ना नहीं है नॉट अ ट्रू फिश मछली के नाम पे जो है, देखिए कई चीजें मतलब कई नाम में गिनाऊंगा अभी आपको जो वो रियल में वास्तविक मछली नहीं है मछलियों के नाम पे कलंक है क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर क्या होगा वेरी गुड चलिए तो यहाँ पर जो सही आंसर आ रहा है देखिए वो क्या है देखो जो गम्बूसिया है गम्बूसिया जो होती है इसको कहा जाता है फिश इसको कहा जाता है मोस्क्यूटो फिश क्या कहा जाता है मोस्क्यूटो फिश कहा जाता है यानी मच्छर मछली कहा जाता है क्या कहा जाता है मच्छर मछली कहा जाता है इसको दरअसल ये करती क्या है कि इसको कुएं वगैरह में डाल के रखते हैं तालाब में पोखरों में हाँ क्योंकि जो अंडे होते हैं मच्छरों के या उनका लार्वा होता है उसको ये खा लेती है ये वाली मछली गम्बूसिया जो होती है इसलिए उसको मच्छर मछली के नाम से जाना जाता है तो ये वास्तव में मछली है एंड अगर मैं बात करूं कैट मछली तो ये भी मछली है डॉग मछली जो होती है उस दिन शायद हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि डॉग मछली वास्तव में मछली है बट यहाँ पर जो सिल्वर फिश होती है ये जो है कीड़ा होता है है ना कीड़ा होता है ये मछली नहीं होती तो याद रखेंगे ऑक्टोपस ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल फिश वो एक मोलस्क में आती है पाइसिस नाम का जो ग्रुप होता है क्लास होती है पाइसिस तो क्लास स्पाइसिस में जितने भी आते हैं सारी वास्तविक मछलियां आती हैं और जो क्लास स्पाइसिस के अलावा और किसी भी ग्रुप में या कहीं फाइलम में रख हुई होंगी कहीं पर भी वो मछलियां नहीं कहलाती हैं तो याद रखेंगे एक तो ये चीज़ की आ, आ, ये आपका ऑक्टोपस यानी डेबल फिश सिल्वर फिश जेली फिश है ना स्टार फिश ठीक है ये सब जो है वो मछलियाँ नहीं है मछलियों के नाम पे कलंक है ठीक है तो ये याद रखिएगा मछलियाँ नहीं है तो जो सिल्वर फिश है दरअसल आप सबने देखा होगा ऐसा झींगुर जैसा कीड़ा देखा होगा जहां तहां ये घरों में घूमता रहता है कई बार किताबों में निकल आता है ये कई बार पुराने कपड़ों में घूम तो मिल जाएगा ये कई कई बार पुरानी लकड़ी वकड़ी में इधर उधर घूमता मिल जाता है घरों में आपने ये कीड़ा देखा होगा इसको सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं वास्तव में ये मछली नहीं है एक कीड़ा है ये इस टाइप का कीड़ा आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है आई डोंट नो बट यहाँ पे तो ठीक ठाक दिख रहा है तो इसी को सिल्वर फिश के नाम से जानते हैं और वास्तव में ये क्या है मछली नहीं है ठीक है अगला सवाल है भाई द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड मछलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है थोड़ी देर का सेशन रहेगा भाई आज थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे ठीक है क्योंकि आज होली में थक गए हो गए आप लोग तो बस थोड़ी सी देर का सेशन और आ, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड तो मछलियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है हरपीटोलॉजी दूसरा है आपका जरोटोलॉजी देन क्या है इक्थियोलॉजी देन क्या है पिसिकल्चर पीसी ठीक है तो मछलियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा नहीं मछलियों का अध्ययन पूछा है तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा ठीक है आ, ओके Uh, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है ठीक है हार्पीटोलॉजी देन क्या है जुरोनटोलॉजी एक्जी और देन क्या हैल्चर पीसी कल्चर शुड बी द आंसर इस के लिए बताएंगे चलिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आ, बताएंगे सादिया नजमी ओकेर ठीक है वंदना डी पीसी कल्चर ऑप्शन का हाँ देखिए तो यहाँ पर मेजोरिटी का आंसर जो है वो आ रहा है कौन सा पी ठीक है ना विदेही का आंसर जो है वो इक्थोलॉजी और जो है और कौन कौन से आंसर कर रहे हैं भाई संजीत कुमार का आंसर जो है वो सी है ठीक है पीसी गोल्डी सिंह तो देखिए जिन लोगों ने आंसर चुना पीसी क्या चुना पीसी उनका न्याय ही गलत आंसर है और ठीक है गलत आंसर है यहाँ पर अध्ययन पूछा गया है आपसे कल्चर यानी पालन नहीं पूछा गया हाँ ठीक है हिंदी में यही नाम है हाँ समीना अगर हिंदी में इसके नाम कुछ अलग से होते तो फिर मैं अलग से लिखता वैसे इसको मत्स्य पालन कहा जाता है तो सही आंसर जो है वो इक्थियोलॉजी है यहाँ पर जो सही आंसर है हाँ वो कौन सा है वो है एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन करना कला कर था एक्थियोलॉजी अब जिन लोगों ने ये चुना एक्चुअल में था क्या मत्स्य पालन तो मछली का पालन करना अलग चीज़ होती है स्टडी करना अलग चीज़ होती है तो जो तालाब वगैरह में मछली का पालन करते हैं हाँ ठीक है उसको हम बोलते हैं मत्स्य पालन ठीक है गलत हो गया किसी कल्चर तो पालना होता है हाँ जी बस यही बताना चाह रहा हूं मैं हर्पीटोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है ये होती है किसकी की और और रेप्टाइल्स की एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की स्टडी अगर हम एक साथ करें खाली एम्फीबियन की स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम बोलते हैं बेट्रेकोलॉजी अभी मैं फिलहाल इसके बारे में बताने वाला हूं तो इसमें हम जो अध्ययन करते हैं वो एम्फिब का एम्फिब का एंड रेप्टाइल्स का तो रेंग कर के चलते हैं उनका रेप्टाइल्स का यानी हम कहेंगे कि उभयचरों उभयचर जो उभयचर होते हैं उभयचर एवं किसका सरी सर्पों का अध्ययन करना है ना वो क्या कर लाता है सरी सर्पों का अध्ययन और उभयचर का एक साथ मिला के करते हैं उसको हम बोल देते हैं हार्पीटोलॉजी अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एम्फीबियन की स्टडी क्या कर लाती है अगर हम जो है हार्पीटोलॉजी उसके साथ ना जोड़ें का सिर्फ एम्फिबियन की जो स्टडी होती है उभयचर की वो फिर कहलाती है हमारी बेट्रेकोलॉजी क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है वो बेट्रेकोलॉजी कहलाती है क्या कहलाती है बेट्रेकोलॉजी न अब ये हो गया आपका ठीक है न जेरोटोलॉजी जो होता है जुरोनटोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ एजिंग यानी बुढ़ापा बुढ़ापे का अध्ययन करना बुढ़ापे का अध्ययन करना जो है वो क्या कहलाता है ये कहलाता है इसको हम बोल देते हैं क्या जुरोलॉजी क्या बोल देते हैं जुरोनटोलॉजी दरअसल बुढ़ापे का अध्ययन क्या करना होता है बुढ़ापे में ये देखा मतलब बुढ़ापे का अध्ययन ये है कि Uh, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता और बूढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जो आ जाए तो जाता नहीं है और जवानी एक ऐसी चीज़ है जो चली जाए तो आती नहीं है वैसे भी वो आपको मैं शेर सुना, शेर सुनाता हूँ वो आप लोगों ने सुना कई बार सुना होगा दुनिया भी हमने बड़ी अजीब सराय फ़ानी देखी दुनिया भी हमने बड़ी अजीब सराय फ़ानी देखी यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी दुनिया भी हमने बड़ी अजीब फानी देखी यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा और जो जा करना है वो जवानी देखी तो आ, कोई भी जो है बूढ़ा नहीं होना चाहता हम्म टल है ना टलता नहीं मेरी ज़रूरतों का पहाड़ देखा होगा बहुत से बूढ़े बूढ़े लोग जो है वो बुढ़ापे तक रिक्शा चला रहे होते हैं मेहनत कर रहे होते हैं और उनकी आराम करने की ईज होती है लेकिन घर की जरूरतें तो कुछ इस कदर हो जाती हैं बच्चों की जरूरतें और उनका पालन पोषण करना तो एक शेर कुछ इस तरह से भी है कि टलता नहीं मेरी जरूरतों का पहाड़ चलता नहीं मेरी जरूरतों का पहाड़ मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते इसका मतलब समझ गए इस शेर में कितना कुछ है इसमें वाली बात फील तो नहीं आई होगी लेकिन इसको कभी समझ करके देखेगा किसी गरीब इंसान की जिंदगी कुछ इसी तरह से होती है चलता नहीं मेरी जरूरतों का पहाड़ मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते इसका मतलब यह है कि मैं उनके लिए है ना उनकी जरूरत इतनी है कि मुझे बूढ़ा नहीं होने दे रहे हैं और मैं उस तरह से और मेहनत करते चला जा रहा हूं ठीक है ना चलो तो इसमें यही देखते हैं कि बुढ़ापा जो है वो कैसे रोका जाए आखिरकार बुढ़ापा आता क्यों है कुछ लोगों पे वक्त से पहले आ जाता है कुछ लोग तो बचपन से ही पैदा होकर के ही बूढ़े होते हैं मतलब आप देखिएगा कुछ लोग जो है जवानी में आके बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग बुढ़ापे में जाके बूढ़े होते हैं तो ऐसी क्या खासियत है कुछ लोग बूढ़े तो होने की एज से भी बाद में जाके बूढ़े होते हैं आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी एज पच्चीस अट्ठाईस साल के बीच आस की होती है देखने में ऐसा लगते हैं छियालीस साल के और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एज होती है देखने में मतलब होंगे पचास पचपन साल के और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे पैंतीस छत्तीस साल के और कुछ लोग तो ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनकी डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे में है ना डायरेक्ट बचपन से वो बुढ़ापे में ट्रांसफर हो जाते हैं बीच की जवानी बीच की जवानी कहाँ गायब कर दी पता ही नहीं चलता फिर बेचारे जहां तहां दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं खोई हुई जवानी दोबारा प्राप्त करें है ना फिर उनके पते भी लिखे होंगे बाबा तूफानी हर शुक्रवार और शनिवार मिले बस स्टैंड के पीछे है ना पुलिया के ना होता है ना बस स्टैंड के सामने पुलिया के पीछे गली नंबर थ्री निराश रोगी मिल रहे इस तरह के जो आप बोर्ड लगे हुए देखते होंगे जहां तक ठीक है हम्म इस तरह से बहुत से है ठीक हाँ, है आपने जैसे कि वो देखा होगा सीरियल देखा होगा भाभी जी घर पे हैं रेकोर भी देखा होगा जीजा जी थप पे हैं तो जो भाभी जी घर में है उसमें जो एक है विभूति नारायण मिश्रा जिसको बिभू नाम से मशहूर किया हुआ है तो उनकी एज जो है लगभग मेरे ख्याल से सिक्सटी फोर प्लस के आसपास है देखने में बंदा जब गेटअप में आता है तो ऐसा लगता है जैसे पैंतीस छत्तीस अड़तीस साल के आसपास का और तो कुछ लोग जो है बिल्कुल कुछ लोग तो ऐसे भी आपने देखे होंगे जो कुछ जिनकी शादियां होती हैं पिछले साल देखा तो ऐसा लगता है जैसे बच्चा अगले साल देखा तो चचा है ना ऐसा लगता है ना कि ये बीच में ये चचा कैसे बन गए इतनी जल्दी है ना पहले बच्चा बाद में चच्चा तो एकदम से एक्चुअली उनका नजरिया कुछ इस टाइप का हो जाता है या फिर जो है कुछ चीजें ऐसी हो जाती है उनके साथ हाथ से ऐसे हो जाते हैं कि वो रातों रात उन्हें नींद नहीं आती खाना पीना पोषण कुपोषण का शिकार ठीक है वो सब हो जाते हैं इसमें यही सब देखते हैं अगर बुढ़ापा थोड़ा सा रुक सके तो रोका जा सकता है उसको हाँ वो गुड एटीट्यूड करके अपना अगर ऐसा ही होता है कि अमीर लोग जो है वो पैसे से अगर बुढ़ापा रोक सकते थे तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे बिलगेट्स जैसे लोग बूढ़े हो गए हैं शक्ल बता ही देती है आ, कि अब झुर्रियाँ पड़ गई हैं होता है ना इस तरह से आ, तो कुछ इसी टाइप की चीज़ें हैं है ना और क्या तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई इसमें क्या स्टडी की जाती है कि खान पीन हम कैसा रखें कि बुढ़ापा देर सा आए लोगों पे इन्वॉर्मेंट का असर क्या पड़ता है लाइफ पार्टनर का क्या फ़र्क पड़ता है घर के माली हालात का क्या फ़र्क पड़ता है इसमें ये सब भी देखा जाता है कि जेनेटिक्स का क्या असर है इसमें ये सब भी देखा जाता है कि आ, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें कि बुढ़ापा देर से आए और आ, जो जो शक्ल पे लगाने वाली चीज़ें हैं जैसे शगल पे लगाने थोपने वाली चीज़ें होती हैं ठीक है तो उनसे भी जो है आप देखिएगा झुटियाँ छुपाएँ छिपती उस लोग सकल पे तो थोप लेते हैं क्रीम पाउडर बट गर्दन देख करके अंदाजा समझ में आता है आ जाता है गर्दन को देख करके किन्ना पुराना मटेरियल जो है नई पैकिंग में है ऐसा भी समझ में आता है ना हाँ कुछ लोगों का मेकअप देखेगा सकल गोरी गोरी सी हाथ पैर और गर्दन देख करके समझ में आ जाता है कि ना पुराना मटेरियल न्यू पैकिंग में है जो धुलने के बाद में जो है समझ में आ जाएगा बताने के लिए और भी बहुत कुछ है इसमें ठीक है तो क्या है ये समझ में आगे बात यह हाँ चलिए तो अगला देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मैग्जिम नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आपको ये बताना है कि मानव शरीर के किस हिस्से में सर्वाधिक अस्थियां उपस्थित होती हैं तो मानव शरीर के किसी हिस्से में सर्वाधिक अस्थियां उपस्थित होती हैं और भाई इसको कोई ऐसे न कि ये जो डेंटिंग पेंटिंग सकल पर पे थोप के जाते हैं ये सिर्फ गर्ल्स नहीं मेल भी करते हैं मेल भी पता नहीं इलीज, और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं और थ्रेडिंग ब्रेडिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहा है है ना वैक्सिंग वैक्सिंग और एन ऑल तो ऐसा नहीं है कि जो है मैं कोई यहाँ जेंडर वाइज या किसी चीज को किसी को बोल रहा हूँ मेल भी ऐसे ही हैं फीमेल भी वैसे ही है ना खाली इंसान जो है फिर यही सब करता है कई बार चलो वैसे जो क्रीम पाउडर से अगर गोरे हुआ करते है ना क्योंकि इंडिया में गोरे लोगों को तरजीह दी जाती है देखा जाए तो ऐसा है नहीं खुदा की बनाई हुई हर एक चीज अफजल है लेकिन उसमें आप जब छेड़छाड़ करोगे तो देखिएगा कई बार तो है पहले से भी ज्यादा बेकार सा हो जाता है कुछ लोगों को मेकअप करने नहीं आता वो पता नहीं कौन कौन सा है इतना ज्यादा लाल लाल से लगाएंगे है ना और अजीब सा कुछ लोग ब्लीच में वो होता है ना मैंने शायद पहले भी बताया था ब्लीचिंग में जो ब्लीच करवाते हैं कुछ उस लोग उसमें एक वो होता है क्या बोलते हैं स्टार्टर तो कुछ लोग नए नए से होते हैं ब्लीच वलीच करते हैं तो उनको लगता है कि ये जो स्टार्टर है साथ में आया पूरा मिला दो पूरा मिला करके जब शकल पर थोपते हैं तो बिल्कुल जब उस वो जलने लगती है स्किन थोड़ी देर में बाद जो है है ना थोड़ी देर बाद जो है सकल बिल्कुल वैसे हो जाती है है ना बंदरिया जैसा मुंह हो जाता है बंदर जैसा है ना बिल्कुल लाल है ना छुपा करके घूमते हैं फिर अजीब सा सा मुंह हो जाता है ना है नहीं छुपता फिर ऊपर से तमाम क्रीम पाउडर थोपना पड़ता है तो क्या जरूरत है ये सब करने की मेरा ये मानना है कि जितना मेकअप में खर्च किया जाता है आप अपने खाने पर खर्च कीजिए फिर देखिए स्किन खुद ही चमकने लगेगी समझ तो रहे ना खाने पर खर्च करें हाँ एक्टिवेटर एक्टिवेटर हाँ एक्टिवेटर ही बोलते हैं उसे हाँ ठीक है सब पता है लोगों तो है सबको पता है तो जितने का आप डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर रहे हैं उतने का आप जो है खाना पीना शुरू कर दीजिए जूस वूस फलों का है ना फल खाना शुरू करिए ठीक है फाइबर्स वाले फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू करिए अजीब सा जो है आपके चेहरे पे एक बढ़िया सी रौनक आएगी तो क्या फायदा चार पच्चीस पच्चीस हजार के लिपस्टिक है, है ना इतने महंगे होट नहीं जितने की लिपस्टिक है ना कौन सी कलर बार और पता नहीं है ना कलर बार लैकमी मेवलीन और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है ना और पच्चीस हजार चालीस चालीस हजार के लिपस्टिक है ना और कुछ कितने इतने इतने होड़ भी नहीं है इतने के लेकिन क्या है लिपस्टिक है तो मैंने शरीर के किस हिस्से में सर्वाधिक अस्थियां उपस्थित होती हैं तो चलो यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा है वो है आपका कौन सा लिम्ब है ना तो देखिए जो हो जाएगा अपर लिम्ब लोअर लिम्ब तो अगर देखा जाए तो दोनों में ही बराबर होते हैं यहाँ पर अगर हम मान करके चलें इस पॉइंट में हो गई 26 सिक्स हो गई इसका इसकल में 29 तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं अगर हम इनको लिम्स कर दें है ना तो मोर देन वन ऑफ दी अब ऑप्शन हो जाएगा आ, ठीक है अरे पता तो रहता ही है ना आप कौन कौन सी चीजें मार्केट में चल रही हैं क्या है चलो तो आराम से और कुछ के तो अगर हॉट भी देखो तो ये मोटे मोटे हॉट कोफते जैसे है ना और उस पर इतनी लिपस्टिक लगा ली कि दो बार में मेबलिन खत्म तो खैर चलिए यहाँ पर देख लो जो लिम है हाथ में खास करके अपर लिम्ब में आप कह लीजिए देखा जाए तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में दोनों में बराबर हड्डी होती है तीस हड्डी होती है आप सबने पढ़ा होगा इसका नाम होता है रेडियस अभी कोई कह रहा है कि आपको कैसे पता है यार मुझे तो ये भी पता है कि बॉडी में कौन सी चीज कहाँ एक रोम रोम के बारे में मुझे पता है कि बॉडी में कहा क्या है है ना तो चलो मैं अब जरा हड्डी पे बात आ गई तो हड्डी गिना दूं मैं ऐसे नहीं कि मुझे और चीज़ें पता है ये चीज़ पता नहीं है पढ़ाई को सबसे आगे रखिए बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखिए एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ ठीक है तो याद रखें कि जैसे मान लो इसका नाम है यहाँ पे एक हड्डी होती है हमारे इसका नाम होता है ह्यूमरस क्या नाम होता है ह्यूमरस ठीक है और यहाँ पर जो हड्डी होती है इसका नाम होता है रेडियस इधर की होती है अलना रेडियस अलना तो इसका नाम होता है रेडियस अलना यहाँ पर जो कलाई की हड्डी होती है इसका नाम होता है कार्पल्स और यहाँ पर जो पंजे की हड्डी होती है इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स और ये जो फिलंजिस होती है, है ना ये फोटीन होती है यहाँ पर तो इनको फिलंजिस उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं इसी तरह से हमारी जो जांग में हड्डी होती है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं फीमर फीमर से फिर एक घुटने में गोल गोल सी कटोरी जैसी होती है कई बार देखेगा अंधेरे में या कभी बेध्यानी में टनस जाकर के वो चौखट में लगती है दरवाजे में क्या हो गया कि कटोरी टूट गई होता है ना बहुत से लोगों की टन से टूट जाती है बहुत से लोगों का एक्सीडेंट होता है तो आठ दस पीसेस बन

फिर इसी तरह से और जो नीचे का हमारा टांग का हिस्सा रह गया तो बाहर वाली जो हड्डी होती है उसका नाम होता है फिवला और अंदर की साइड में जो होती है उसका नाम होता है टिबिया तो कितने मस्त नाम है टिबिया फिवला क्या नाम होता है टिबिया फिवला फिर जो पैर में भी कलाई जैसी हड्डी होती है उसका नाम होता है टोरसल्स फिर पैर का जो पंजा होता है उसका नाम होता है मेटा और जो उंगलियां होती है उसका नाम होता है फिलंजिस तो इस तरह से ये टोटल हड्डी है ना आप लोगों ने तीस साठ हड्डी है ना तीस साठ तीस साठ एक सौ बीस हड्डी तो यहाँ से पढ़ ली <coughs> आ, क्या <coughs> तो यहां तक हो गया चलिए तो अगला देखेंगे चलो तो अगला आ, सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर हाँ ओके अगला सवाल देखें आंसर कीजिए चलो अब ये जो है जो भी यहां पर बकवास कर रहे थे और ठीक है तो हम्म अभी देखते हैं हमारी हड्डियां अस्थियां किससे बनी होती हैं हमारी जो हड्डियां होती हैं वो किससे बनी होती हैं कोई नहीं आप पढ़ लो शायद अगर आप लोगों को ज़्यादा सीरियस रहने का शौक़ है आप लोग सीरियस होकर के पढ़ना चाहते हैं तो मैं सीरियस भी पढ़ा दूंगा बट ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है जिससे आपका ब्रेन जो है पढ़ते पढ़ते मतलब न सीख ले क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हंड्रेड कंप्यूटर के बराबर तेज सोचता तो है वट इकट स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि वी हैव द बायोलॉजिकल मशीन वी आर ऑल्सो द बायोलॉजिकल मशीन नॉट द इलेक्ट्रॉनिक एंड मिकैनिकल डिवाइस या मशीन ठीक है तो हम जो कैसी मशीन है बायोलॉजिकल है हमारे ब्रेन को रिलैक्स चाहिए होता है समझ रहे ना तो हमारी हड्डियाँ तक किससे बनी होती हैं ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट देन क्या के है कैल्शियम फोस्फेट देन इससे अगला क्या के है कैल्शियम क्लोराइड तो व्हाट शुड बी द आंसर क्या सही आंसर होना चाहिए चलो तो एक बार जरा यार मुझे आज एक चीज बता दो आप सारे लोग कि आप लोगों को जो है ऐसा तो महसूस नहीं होता कि अगर मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत मजाक करता हूं तो आपकी पढ़ाई पर कोई फर्क पड़ता हो शायद हंसते खेलते आप और ज़्यादा पढ़ लेते हो मेरा तो ऐसा मानना है क्योंकि मुझे बचपन से वो टीचर पसंद ही नहीं थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे मुझे वो लोग पसंद थे जो बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसाते रहे तो शायद एक मेरे फेवरेट टीचर रहे हैं ठीक है, है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो मेरे टीचर थे कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा बहुत उनके जैसा बन पाऊँ जिंदगी में पाँच परसेंट अभी वैसे उनके जैसा मुझे लगता है कि मैं हूँ और नाइन्टी अभी और उनके जैसा होने के चांस मतलब सीखूंगा मैं क्योंकि उनके अंदर जो स्किल था टीचिंग का वो शायद मैंने अभी तक किसी के अंदर नहीं देखा जिसके अंदर रुलाते हुए को रोते हुए को हंसा देते थे जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज होता था उसको जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा देते थे एक हमारा दोस्त था अभी वो यूएसए में है है ना आ, ये यहाँ का था सराय मीर एक जगह पड़ती है आजमगढ़ में है ना वो जो है यूपी बोर्ड का था मैं भी यूपी बोर्ड का था तो बड़ा फ्रस्टेड था वो उससे क्लास में उन्होंने दो चार बातें ऐसी बोली कि वो बंदा फिर धीरे 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 करके आज अमरीका में है है ना और उसने क्या क्या निकाला तो आ, शायद है ना पढ़ाने में उनकी क्लास में जगह नहीं रहती थी और भी क्लास के बच्चे आके बैठ जाते थे एक टीचर थे जो बड़ी टफ मतलब आसान चीज को इतना टफ कर देते थे कि उनका पचपन मिनट का पीरियड हमें काटना ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ ये कब खत्म होगी ये क्लास इतना बोर इंसान और खुद ही पढ़ना खुद ही वो उस तरह से करके तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा तो उसमें हमें बड़ी बोरियत होती थी तो मैंने सोचा कि पहली बात तो टीचर नहीं बनेंगे अगर टीचर बना तो मैं इन सर के जैसा बनूंगा इस इंसान के जैसा नहीं ठीक है और जो लोग ज्यादा अभी ये सीरियस बन के दिखाते हैं अगर इतने ही सीरियस होते तो आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सेलेक्ट हो गए होते ठीक है जो यहाँ पे सीरियसनेस दिखाते हैं ना ऐसे लोग वो होते हैं जो अपना व्हाट्सअप पे खूब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं आता ज़्यादा कुछ है नहीं और टाइम कुछ ज़्यादा ही वेस्ट करते हैं आपको नहीं लगता कि अगर मैं इधर उधर की फ़नी बातें भी करता हूँ तो ऐसा आप देखेंगे नहीं कि मेरा कोई लूज़ पॉइंट आपने देखा हो कि मैं किसी फील्ड में किसी सब्जेक्ट में चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो इक्लोजी इन्वायरमेंट हो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, हो इन सब में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कहीं लूज़ पॉइंट आप पकड़ सकें अपने चीज़ में कोशिश करता हूँ कि एक्सीलेंट ही रहो एंड आपने महसूस भी ज़रूर किया होगा कि एक्सीलेंट जैसे रहने की कोशिश तो करता ही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है ये आपको जॉगिंग कर देता हूँ और मैं अलग चीज़ नहीं बताता तो ऐसा तो आपको महसूस होना ही हुआ होगा आपको ये महसूस होता होगा कि चाहे मजाक भी होगी तो एक दायरे की होगी एंड पढ़ाई भी होगी तो एक दायरे की होगी ठीक है चलिए तो अब इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कैल्शियम फोस्पेट है और इसके साथ थोड़ा सा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो प्रेजेंट है ना एंड आवर बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यू एंड मेड अप ऑफ द कैल्शियम फोस्पेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ओके चलो <coughs> समझ में आ बात ये अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है गाइस स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडीज हमारी बॉडी में हाँ जो सबसे छोटी मांसपेशी है ठीक है वो कौन सी है अक्सर आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि आप उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं जो एक तो चिड़चिड़े हों पकाऊ हों है ना दूसरा जो है हाँ, सुस्त टाइप के हों है ना हमेशा जो है उनसे उनके साहब पर कोई ना मजाक है ना जिंदगी में कुछ है ही नहीं बस सिर्फ ज़िंदगी सुबह से शाम चल रही है एक एक सांस को पूरी कर रहे हैं च्वाइस इज़ योर आपकी अपनी मर्जी है तो चलिए हमारे शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी है वो कौन सी है जिसको लगे कि यहाँ पे पढ़ना चाहिए टारगेट विल एप्लीकेशन पर आपको सिलेक्शन भी मिलेगा और उस लेवल की पढ़ाई होती है तो टारगेट विल के साथ जुड़ें अदरवाइज़ जो है आपको जो है बुला करके नहीं लाया हूँ मैं घर से कि भाई जो आकर के पढ़िए आपका मन गवारा करे तो आइए मन गवारा ना करे तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ तो ऐसे भी नहीं कि क्लास में से आगे तो निकले कैसे मोबाइल है आप जो है दुनिया भर के यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जहाँ तहाँ देखिए जो देखना आपको देखिए जिसका मन गवारा करे हज़ार बार पढ़ने का तो वहाँ आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार आज मैं बोल दे रहा हूँ दस बच्चे हैं या हजार बच्चे हैं पढ़ने वाले दस भी काफ़ी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए दस भी इतने ही है दस हजार का क्या करना जो वो पढ़ने में है ना फालतू के हों तो चलो तो आ, हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है ऑप्शन है आपका स्टेपीज ठीक है चलिए तो स्टेपीज स्टेपीज है ना दूसरा क्या है स्टेपेडियस, हाफ फीमर ठीक है दूसरा क्या है हाफ फीमर देन क्या है ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मैक्सिमस तो यहां पर पूछा था स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी ठीक है आ, ये जो हिंदी में ऑप्शन इसमें कोई नाम अलग से बदलाव भी नहीं होते स्टेपीज को स्टेपीज ही कहा जाता है स्टेपेडियस को स्टेपेडियस ही कहा जाता है जहां पर मुझे ज़रूरत लगती है कि इनके ऑप्शन हिंदी में ट्रांसलेट करने चाहिए मैं वहां पे कर देता हूँ अदरवाइज इनके नाम बदल करके कुछ होगा नहीं सेम की सेम चीज़ रहेगी है ना कोई फर्क नहीं है समझ तो में आ रही है बातें यहाँ तक चलिए तो देखो यहां पर जिन लोगों ने आंसर चूज किया है कौन सा स्टेपीज तो देखो यहां पर जो सही आंसर है वो आपका होना चाहिए कौन सा स्टेपेडियस कौन सा होना चाहिए स्टेपेडियस ठीक है और जो स्टपीज है उन लोगों का आंसर गलत है ठीक है क्योंकि जो स्टपीज है याद रखेगा है, ये सबसे छोटी बोन है स्मॉलेस्ट बोन है ये ठीक है हड्डी है ये अस्थि है अस्थि में सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो स्टपीज होती है और स्टपीज को हम एक और नाम से जानते हैं स्टप बोन भी कहा जाता है स्टप बोन भी कहा जाता है समझ में आई बात यहां तक एंड जो है आ, जो फ्रीमर है और फीमर दरअसल मांसपेशी है ही नहीं फीमर जो है क्या चीज़ है बोन है सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत बोन यही होती है हमारी जांग में होती है है ना इसी को थाई बोन कहा जाता है ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है सबसे बड़ी मश्... मसल का नाम क्या है ग्लूटियस मैक्सिमस है और इसी को हिप मसल कहा जाता है यानी कूल्हे और नितंब की मांसपेशी कहा जाता है जो हमारे हिप पर होती है हमारे कूल्हे पर होती है इसी को कहा जाता है गाइज क्या ग्लूटियस मैक्सिमस तो जो बच्चे चुन रहे थे तो कोई गलती वाली बात नहीं है थोड़ा सा नाम एक जैसे हैं और दोनों कहाँ पाई जाती हैं याद रखिएगा दोनों कान में पाई जाती हैं दोनों कान में पाई जाती हैं जरा देख लीजिए कहां पर ये पाई जाती है तो ये जो बाहर का हमारा होता है बाहर वाला इसको हम बोल देते हैं क्या पिन्ना हाँ, ठीक है इसको हम क्या बोल देते हैं हाँ, पिन्ना क्या बोल देते हैं इसको पिन्ना और ये जो जाती है ये कैनाल ये वाली हो गई स्टेशन कैनाल हो गई हमारी देन ये येर कैनाल होती है यहाँ पर स्टेशन कनाल होती है है ना जो आपने देखा होगा कान में दवाई डाल दे तो आपका हलक कड़वा हो जाता है नाक में दवाई डालिए तब भी जो है आपका हलक कड़वा हो आंख में डालें तब भी हलक कड़वा हो जाता है ऐसा देखा है तो ये वाली जो बोन होती है ठीक है देखिए यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बोन होती है यहाँ पर उसका नाम होता है स्टेपीज बोन और यहाँ पर एक मसल लगी होती है ज़रा सारी उसका नाम होता है स्टेपीज मसल दोनों की दोनों कान में है इसको कान की मांसपेशी और एक को कान की हड्डी के नाम से हम जानते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा चलिए तो ध्यान रखेंगे कि लोकेशन कहाँ है अगला है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स इन रेस्पॉन्ड टू दैम रिकॉल्ड चलो ये बताना है आ, हमारे परिवेश में परिवर्तन जो हमें उनकी प्रतिक्रिया देता है क्या कहा जाता है इन्वॉर्मेंट के के हिसाब से जो हमारी बॉडी एक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है ऑप्शन है आपका स्ट्रेस यानी तनाव ठीक है दूसरा ऑप्शन है आपका जो है रे, रेस्पॉन्ड है आ, ठीक है प्रतिक्रिया कह लीजिए देन कहे स्टिमुलाई है उत्तेजना देन क्या है इससे अगला क्या है आ, डिफ्यूजन है प्रसार ठीक है चलो हाँ भाई क्या सही आंसर होना चाहिए गाइस आप लोगों का मेहनत कर लीजिए अभी जो है धीरे धीरे ठीक है आपको उस दिन का इंतजार रहना चाहिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो ये सारी इधर उधर की जो आ, वो सब है निकल जाएगा इंसान का है ना हकीकत सामने आ जाएगी जब चिट्ठा खुल करके सामने आएगा कि कौन सेलेक्ट है कौन नहीं है ठीक है तो उस दिन का ही देखना होता है चलो तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होगा स्टिमुलाई होगा इसी को जो है उत्तेजना या फिर रेस्पॉन्स कहा जाता है अगर सही में देखा जाए स्टिमुलाई कहा जाता है एक्ट जो करना होता है अगेंस्ट है ना कैसे इन्वामेंट में रहते हैं उसका असर सीधे सीधे पड़ता है और जैसी कंडीशन होगी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड किया जाता है और उसको हम स्टिमुलाई कह देते हैं क्या बोलते हैं स्टिमुलाई यानी उत्तेजना कहा जाता है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है विच वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन जो है आपका ठीक है तो विश्व वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो भारत का जो uh, पहला राष्ट्र उद्यान है वो कौन सा है ऑप्शन है आपका हेली नेशनल पार्क यानी हेल, हेली राष्ट्र उद्यान हो गया देन क्या काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है देन मानस नेशनल पार्क देन क्या है नन ऑफ दबर ठीक है तो बताओ ये तीनों के तीनों कहाँ हैं एंड चलो ये मत बताइए आप ये बताइए कि ये इनमें सबसे पहला जो राष्ट्र उद्यान है वो कौन सा है हाँ महज अभी परवीन ये आ जो है बिल्कुल आ ट्रू वाला जो है लाइन है और मतलब ट्रू वाली चीज है जब तक सिलेक्शन नहीं होगा कोई नहीं मानता कोई नहीं मानेगा चाहे कितने गले में ढोल डाल के बचाते रहिए में आता जाता है चलो तो जिन लोगों को ये थोड़ा घमंड हो गया है गुरूर हो गया है कि उन्हें बहुत जाता, आता जाता है तो वो थोड़ा निकाल दें माइंड से तो अच्छा रहेगा ठीक है चलो हाँ काजीरंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है महज अभी काजीरंगा उत्तराखंड में कब से पहुंच गया डेर काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और ये होना चाहिए आपका असम में मानस नेशनल पार्क कहाँ है ये भी कहा है आपका असम में ठीक है तो अब जो है सही नाम देखिए क्या चीज़ है हेली नेशनल पार्क है और अभी इसका जो करंट नाम है वो है आपका कौन सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट और ठीक है नेशनल पार्क अभी इसका नाम है जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इसका नाम फिर एक बार बीच में चेंज करके किया गया था रामगंगा नेशनल पार्क फिर से नाम बदल के कर दिया गया क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी फिर से इसके नाम बदलने की बात चल रही है कि इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रहा जाएगा बट अभी नाम बदला नहीं गया है तो अभी जैसे ही ऑफिशियली बदल जाएगा ठीक है तो इसका नाम जो है मैं आपको अपडेट करा दूंगा अभी जो है कहीं पर भी इस तरह का कोई वो नहीं आया है कि जो है आ, ये के नाम अभी रामगंगा हो गया हो होने की बात चल रही है अभी हुआ नहीं है अमृता चतुर्वेदी डेर अभी हुआ नहीं है और बहुत ज्यादा अपडेट रहते हैं हम लोग हम तो आई में पढ़ाते हैं तो एक एक चीज को हर दिन जब पढ़ाने जाते हैं तो अपडेट करके लेकर के जाते हैं जिस दिन तक लिखाएंगे उस दिन तक का डेटा तो अभी नहीं हुआ है जब दोबारा से बात चल रही है ठीक है अभी कहाँ चेंज हुआ है अभी ऑफिशियली कब चेंज हो गया अभी हो गया क्या इसी दस पंद्रह बीस दिन में एक महीने में इधर ही चेंज हुआ है तो आप लोग कन्फर्म बताएं है ना क्योंकि है ना मुझे नहीं लगता अभी इसका नाम जो है वो चेंज कन्फर्म हो गया है ठीक है तो जैसे ही चेंज हो जाएगा ऑफिशियली या ऑफिशियली चेंज जैसे ही होगा तो इसका नाम बता दिया जाएगा ये थोड़ा सा भी किताबें आप देख लगे ठीक है तो ये टारगेट वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसका स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां से इन किताबों को आप चाहें तो ले सकते हैं ठीक है हाँ अभी हाँ जैसे ही अपनी तैयारी को और थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ और कल को काश न कहना पड़े और और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैसे तो आपको थ्योरी की क्लासेस में काफी पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन पर और यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस चल रही है तो एनअ है अगर आप चाहें हाँ ठीक है हाँ तो जैसे ही होगा आ, तो बदल दिया जाएगा नम अगर जैसे भी होगा तो आ, ठीक है चलो तो ये किताबें हैं अभी मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हर क्लास में बताता ही रहता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर महज चेंज नहीं हाँ अभी चेंज नहीं हुआ है मैं वही कह रहा हूँ कि अभी चेंज हुआ नहीं है हो जाएगा आ, ठीक है पिंकी मैं निशा मैम से बात करता हूँ वो अवेलेबल अगर होंगी तो फिर निशा मैम जो है क्लास ले लेंगी अभी मैं बात करता हूँ हाँ ठीक है चलिए अभी जो है इसको कर लीजिए आप अच्छा खासा रोल है साइंस का कलेक्शन दिलाने में और इन्वॉर्मेंट का चलिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर निम्नलिखित तो में से कौन सा पहला कृत्रिम रेशा है रेशा दरअसल दो तरह के होते हैं इनको तंतु भी बोल देते हैं तो एक तो होते हैं आर्टिफिशियल एक होते हैं नेचुरल नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो जो होंगे या तो सेल्यलोस के प्लांट से मिलने वाले ज्यादातर जो फाइबर्स होते हैं वो बने होते हैं सेल्यलोस के जो कार्बोहाइड्रेट का एक पोली की फॉर्म होती है उसके अलावा जो एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स होते हैं वो आमतौर पर अगर देखा जाए तो प्रोटीन के बने होते हैं क्योंकि आ, एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं उनको हम ऊन उन के नाम से जानते हैं वूल के नाम से जानते हैं वूल है ना तो जो है वो आ, प्रोटीन की हो सकती है तो याद रखेगा कि यहाँ पर जो सबसे पहले है ना इस पर याद रखिएगा क्वेश्चन आता है तो नाइलोन जो है वो सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर है नायलोन की खासियत ये होती है कि इतना ही मोटा अगर नायलोन का वायर हो तार हो और उतना ही मोटा आ, उसका हो तांबे का हो तांबे का हो ठीक है ना तो आप मान करके चलें कि दोनों की मजबूती में कौन सा ज्यादा मजबूत होगा तो नायलोन का तार ज्यादा मजबूत यानी वायर इसका ज्यादा मजबूत होगा एंड इसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं पैराशूट बनाए जाते हैं और नाइलोन का इस्तेमाल अंडर गारमेंट्स या गारमेंट्स ये सब बनाने में भी किया जाता था है ना जब इसको पहली बार जब ये आया था तो पूरे मार्केट में धूम सी मच गई थी क्योंकि उससे पहले लोग जो है वही खद्दर खादी ये सब के कपड़े पहना करते थे जो इतने कंफर्ट नहीं हुआ करते थे बाद में फिर ये कॉटन वॉटन के कपड़े बाद में आने शुरू हुए आप लोगों ने और भी फाइबर्स के नाम सुने होंगे टेरिलीन का नाम सुना होगा है ना टेरिलीन ओके जैसे जिसको बोलते हैं ना पोलियस्टर पोलीएस्टर सुना होगा ठीक है तो ये सब जो है वो फाइबर्स होते हैं एंड ये जो है सब पॉलीमर्स हैं पॉलीमर्स जो किससे मिलकर बनते हैं मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं चलिए ये तो हो गया आपका अब मैं बात करता हूँ रेन का रेउन जो है वो क्या है आर्टिफिशियल सिल्क है क्या है ये आर्टिफिशियल सिल्क है आर्टिफिसियल सिल्क जिसको कहा जाता है कृत्रिम कृत्रिम रेशा कहा जाता है इसको कृत्रिम सॉरी कृत्रिम क्या कहेंगे रेशम कृत्रिम रेशम है और ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ओरिजिनल जो रेशम होती है जो मुल्वरी, मुल्वरी समझते हैं अब शहतूत का जो पेड़ होता है, होता है है पौधा उस पर जो कीड़ा छोड़ा जाता है जिसका होता है नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी क्या नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी सबसे चमकीली बोन कौन सी है टिबिया ये कौन है भाई गिरधर कुमार लिखा चुके हैं यार ठीक है ना हाँ मोहम्मद आरिफ कर देंगे डिस्कस उसको वो कर दिए हैं ऑलरेडी डिस्कस जो थ्री पॉइंट जीरो में क्वेश्चन आए सारे पढ़ाए में कहते दो चार क्वेश्चन को छोड़ के अगर देखा जाए तो सारे के सारे वैसे ही थे आ, ठीक है तो इतना कोई खास क्वेश्चन थे नहीं जो पेपर हुए आपके बिल्कुल है ना आपने अगर थ्योरी की क्लास करी होंगी तो कौन सा क्वेश्चन ऐसा था उसमें एक दो को छोड़ के जो आप कर नहीं पाए होंगे सबसे चमकीली कौन बोल रहे हैं सबसे चमकीली कौन सी होती है टिबिया सबसे चमकीली होती है आ, ठीक है मनीषा चौहान कब से सबसे चमकीली हो गई टिबिया होती है खैर चलो तो अभी हम बात कर लेते हैं तो जो नायलोन है क्या बता रहा था मैं हाँ रेओन रेओन जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है और एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर यानी जिसको हम कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं ये है तो आर्टिफिशियल लेकिन बनाया नेचुरल से जाता है बनता नेचुरल से है नेचुरल में जैसे सेल्युलस होता है ना प्लांट्स का प्लांट का जो सेल्युलस होता है उससे बनता है आ, ठीक है तो ये समझ में आ गई बात यहां तक ठीक है तो रेयॉन हो गया आपका आर्टिफिशियल सिल्क है क्योंकि ओरिजिनल जो सिल्क होता है वो बड़ा महंगा होता है ओरिजिनल सिल्क की पहचान होती है वो उस लोग देखा देखेगा कि बेचते रहते हैं कि भाई ओरिजिनल सिल्क है गांव गांव जाके बेचते हैं वो नकली सिल्क होता है भाई वो रेयन होता है ओरिजिनल सिल्क की पहचान होती है उसके लिए टेस्ट किया जाता है रिंग टेस्ट कौन सा टेस्ट किया जाता है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट टेस्ट में दरअसल ये होता है कि चाहे आपकी कितनी ही बड़ी साड़ी दुपट्टा सूट क्यों ना हो तो ये कहा जो रिंग होती है ना रिंग छल्ला कह लीजिए या अंगूठी कह लीजिए उसमें से साड़ी दुपट्टा हो या आप कुछ भी हो सूट हो उसको ऐसे पकड़ करके उसमें से छल्ले में से पकड़ के खींच दीजिए अगर वो सारा उस में से निकल गया पास हो गया वो जो भी आपका कपड़ा है तो तो ओरिजिनल सिल्क है अगर वो नहीं निकला और गुच्छा बन गया नहीं खिंच रहा है उसमें से अंगूठी में, में से नहीं निकल रहा है तो समझ लेना है, है, ले देन जो ये हो गया देन ये तो नेचुरल हो गया नॉर्मल वाला और जो जूट होती है जूट जो है वो किस चीज का बना होता है ना पटसन जिसको कहा जाता है तो इससे बनता है चलो तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर गाइज करेक्टली मैच करना है आपसे पूछा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हिंदी में कुछ इसका नाम अलग से कुछ होगा नहीं भी बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास है ना सोसाइटी ऐसे से बोल देंगे देखा जाए तो ऐसे ही नाम लिखा होगा तो इसको हिंदी में इंग्लिश में पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही बात है तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहां पर है न्यू दिल्ली दूसरा ऑप्शन है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता देन क्या है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोयम्बटूर देन क्या है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर तो इनमें जो है सही से जो मैच खाया हुआ है वो कौन सा है ठीक है आंसर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये न्यू दिल्ली में है ठीक uh, है या फिर जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है जल्दी से चूज करें चलिए यहां पर क्या सही आंसर है हाँ, ओके आ, तो यहां पर जो तो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए तो सही आंसर आपका कौन सा है ये हो जाएगा आपका आ, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बी एस आई इसी को हम बोलते हैं बी एस आई अगर आपसे कहा जाए कि जेड एस आई का है जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है तो ये भी आपका कोलकाता में है तो बी एस आई बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेड एस आई जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं आप बताएंगे दोनों के दोनों, दोनों कोलकाता में है वेस्ट बंगाल में ठीक है और जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एन कहा जाता है इसको इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया जगह है घूम करके आ सकते हैं आप इसमें तो लखनऊ गए होंगे और अगर यहाँ पर गए होंगे आ, तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं एन बी आर आई ठीक है नेशनल ठीक है क्या है बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये आपका पड़ता है कहां पर uh, लखनऊ में ठीक है तो आप जा सकते हैं ठीक है हाँ घूम के आ सकते हैं इसमें देन विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान राजस्थान की जो स्टेट बर्ड है उसका नाम क्या है ठीक है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान ठीक है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कौन सा है ठीक है, चलो हो गया हम्म ऑप्शन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महान भारतीय बस्टर्ड और इसको आज जो है आ, गोडावन कहा जाता है, है ना क्या बोलते हैं गोडावन इसको आ, जो है आ, गोडावन भी बोल देते हैं गोडावन ठीक है गोडावन देन क्या है मोर है और ठीक है देन क्या है गिद्ध है देन क्या है क्रेन है वोट शुड बी द आंसर तो देखिए क्रेन तो नहीं होगा आ, क्रेन क्रेन तो सारस बोलते हैं ना वो तो यूपी का है है ना आई एम राइट टू नॉट ये होगा आपका कौन सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसी को गोडावन के नाम से जानते हैं और कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है ये मैं समझना कि राजस्थान के एग्जाम में ही आएगा कहीं पर भी आ सकता है ठीक है

बोलते हैं इसको लोकल में वहां पर ठीक है चलिए तो विच गैस इज ऑफ़ फ्यूचर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है आ, ठीक है तो ऑप्शन आप देख ही रहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नियॉन गोल्ड सिंह तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो किसको कहा जाता है हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को कहा जाता है फ्यूल ऑफ फ्यूचर क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है 150 फिफ्टी जूल पर केजी के के हिसाब से इस इतनी ज़्यादा एनर्जी इससे मिलती है जो बाकी फ्यूल से नहीं मिलती और सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कहलाता है ये सबसे साफ सुथरा फ्यूल कहलाता है ये और इसका इस्तेमाल आने वाले समय में एनर्जी को जनरेट करने के लिए किया जाएगा बट इसकी दिक्कत है अभी फिलहाल ये कि इसको हम 100 परसेंट सीधे सीधे, सीधे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि इसका जो ये होता है ना क्या बोलते हैं इसको इनफ्लम ये हाईली इनफ्लामेबल है इसका जो ज्वलन ताप होता है इग्निटिंग टेम्परेचर बड़ा कम होता है भग से आग पकड़ लेता है एकदम से तो इसलिए जो है ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है इसलिए जो है इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बट आने वाली नस्लें इसको आने वाली जो जनरेशन होगी मतलब वो सही से इस्तेमाल कर पाएगी ठीक है तो अगला है फ्लॉरिंग प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड्स आर कॉल्ड सर मेहंदी में ऐसा क्या होता है हाथों में लगाने से आ, लाल हो जाती है लोगों का अक्सर ये कहना है कि भाई जैसे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं अगर उसमें वाइफ मेहंदी लगाती है तो अगर वो आ, रचती है अच्छे से तो बोले हस्बैंड प्यार करता है नहीं रचती है तो वो जो प्यार नहीं करता नहाए बकवास चीजें है ना तो अगर देखा जाए चलिए पहले मैं आपका आंसर बता दूं तो एक डाई होती है ठीक है डाई की वजह से है ना तो जितना जो ना बोलते हैं ना इसको तो डाई होती है लासोन करके जो है इसमें होता है लासोन ठीक है लासोन करके जो है एक पिगमेंट होता है इसकी वजह से जो है वो कलर होता है लासोन ठीक है तो डाई कह लीजिए है ना तो ये वाली जो डाई होती है कलर होता है इसकी वजह से लासोन नाम के पिगमेंट की वजह से इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो जितनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा हाँ ठीक है इसका जब ऑक्सीकरण होता है हाँ तो ये हाथों में रचने लगती है स्किन में समा जाती है हाँ ठीक है तो ये हो गया ला पिगमेंट होता है अब ये जो अगर आपकी मेहंदी आपने लगाई और आपको नहीं रच रही है इसका मतलब मेहंदी खराब है हस्बैंड बसक ना करें ठीक है चलिए इसी तरह से और भी बहुत से पिगमेंट होते हैं और जैसे अगर हम जैसे आपने नाम सुना होगा क्रोमेटोग्राफी उससे हम तमाम कलर पिगमेंट को जो है बता सकते हैं फिर देखिए एक आध क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर भी रखा है है ना जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों है गाजर का रंग लाल क्यों है है ना किसकी वजह से कौन सा रंग आता है ठीक है ये सब तो क्या कौन क्या चीज नहीं मिल पा रहा है ठीक है चलो तो भाई ये हो गया तो क्रिप्टो हो गया क्रिप्टोग हो गया देन क्या है फन हो गया फन हो गया देन क्या है जिम्नपम होता है जिम्नुस्पम को हम बोलते हैं अनवरत बीजी ठीक है क्या है अन आवरत बीची अन बीजी ठीक है अनवरत बीजी देन अगला क्या है एनजुस्पम एनजुस्पम को हम बोलते हैं आवरत बीजी क्या बोल देते हैं आवरत आवरत आंसर तो भाई हाँ मतलब कुल मिलाकर के बेचारा हस्बैंड की गलती है ठीक है कोई भी काम गलत हो जाए तो हस्बैंड की गलती है सही हो जाए तो उसकी गलती मतलब तो सही हो जाए तो फिर जो है क्रेडिट उसका है ये इंसान की फितरत है चलता चला रहा है लेकिन इसमें जो है रंग का मेहंदी के रंग का जो लेना देना है वो लासोन पिगमेंट से है ये ठीक ठाक होगा मिलावट कम होगी तो अच्छी चढ़ेगी आपके अदरवाइज नहीं तो नहीं चढ़ेगी ठीक है तो क्या है क्रिप्टोगेम्स है फंस है जिमनोस है या एनजीओ तो देखो यहाँ पर जिन पर फ्लावर्स आते हैं तो जिन लोगों ने एनजीओस क्या पूछा था फूल फल और बीज को धारण करने वाले फूलों के पौधों को क्या कहा जाता है जिनमें फल फूल बीज सब आते हैं हाँ ठीक है तो क्या कहेंगे भाई हम्म तो यहाँ पर जो तो सही आंसर है वो आपका एनजीओ स्पम हो जाएगा देखिए फेनोरोगैमी क्रिप्टोगेमी ये सब पढ़ रखा होगा आप लोगों ने चलिए तो उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी है ना वो टीजीटी -टी लेवल का हो जाएगा सिंगल सैल्ड एनिमल्स सिंगल सिंगल्ड एनिमल्स आर क्लासीफाइड तो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उनको जो है आ, वो मतलब जो है आ, किस वर्गीकृत मतलब किस में रखा गया है ठीक है तो एकल कोशिका वाले जानवरों को इस प्रकार वर्गित किया जाता है ऑप्शन है आपका ओरथोपोट्स कौन सा ओर्थोपोर्ट्स ठीक है, है। दूसरा है आपका मेमल्स स्तनधारी देन प्रोडोजोआ देन है मुलस्क मुलस्क चलिए अभी थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हाँ दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं या फिर आज यहीं पर रहने देते हैं सेशन को अगर आप लोग कहें तो दो चार क्वेश्चन और कर लें अगर आप लोग अभी नहीं थके हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं टी की क्लास नहीं ये जनरल की क्लास है टी में भी कुछ क्वेश्चन तो आई जाएंगे एंड सिक्स टू एट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे और जनरल में भी आएंगे बट पी की जो क्लास होती है हमारी और पी की वो तो दिन में होती है तो इससे पहले एक दो सेशन हुए हुए हैं अभी के हाल ही फिलहाल के कल भी मेरे ख्याल था हाँ, कल क्लास ली तो थी उसको जा करके देखिए उसमें एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के पहले से ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर जो सही आंसर है कि जो सिंगल सर्ड एनिमल्स क्लासीफाइड उनको हम बोलते हैं प्रोडोजन क्या बोलते हैं प्रोडोज ठीक है बेस्ट बुक फॉर ई वी एस मैं तो अपनी ही बताऊंगा देखो क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मैंने क्या लिखा है उसमें तो रैपिड प्लस रैपिड प्लस के नाम से आ, ठीक है किताब होगी ठीक है उसको आप देख लेना वैसे तो अभी तो आपको डायग्राम में दिखाई थी है ना ये कुछ इस टाइप की किताब होगी ये हिंदी मीडियम की है आ, ठीक है इंग्लिश मीडियम की ऐसी मेरा फोटो लगा होगा ठीक है इंग्लिश मीडियम की जो है वो इन्वायरमेंटल से होगी इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना रैपिड प्लस पर्यावरण अध्ययन या आपको जो भी मीडियम है वो आप ले सकते हैं तो इसमें जो है वही चैप्टर वाइज थ्योरी है फिर जो है एनसीआर की समरी भी है इसमें इसमें एंड उसके उसके अलावा उसके अलावा जो है प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं बहुत पतली सी किताब है ज्यादा मोटी नहीं है ठीक है तो इसके पीछे जो है प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं तेतीस क्वेश्चन के नाइन हंड्रेड क्वेश्चन का कलेक्शन वो भी है इसको पढ़ लो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूंगा कि बेस्ट बुक है वो जिन जिनने ले रखी है और जिन लोगों ने पेपर दिया था अभी बीपीएससी का दोनों तीनों बार का है ना उनसे पूछ के देख लो कि कैसा है हाँ ठीक है चलो तो कैसी बुक है क्या है वही आपको बताएंगे मैं तो अपनी चीज की तारीफ करूंगा ही क्योंकि हर कोई अपनी चीज की तारीफ तो कर देगी तो मन गवारा करे तो आप ले सकते हैं अदरवाइज आप कोई सी और दूसरी किताब किसी की देख सकते हैं वैसे ये किताब ठीक ठाक लगेगी आपको चलो तो वॉटर दैट इज एब्सुलटली प्योर एंड फ्री फ्रॉम एनी इम्प्रोड्यूज नॉन एज पानी जो पूरी तरह से शुद्ध है और किसी भी अशुद्धता से मुक्त है उसे इस प्रकार जाना जाता है ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर यानी आशुद जल हाँ आशुद जल ठीक है दूसरा है मिनरल वाटर आशुद्ध जल दूसरा हो गया मिनरल वाटर देन स्प्रिंग वाटर यानी झरने का पानी देन बोल्ड वॉटर उबला हुआ पानी सुबह में नहीं रीड कर पाते कोई बात नहीं मैंने इस पर एक वीडियो बना करके डाली थी जब भी आपका मन गवारा करे रात में उठ के पढ़ते हैं बहुत से लोग ना जब भी आप पढ़ सकते हैं जब लगे आप पढ़ रहे हैं इस इसमें मैंने एक वीडियो बना करके डालो भी है आप देखेगा टारगेट विल के इस पर कब पढ़ना चाहिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए इस इसमें मैंने एक वीडियो बना के डाली थी आप देख लो देख लो काम की चीज भी देख लिया करो चलो तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आज जल हो जाएगा आज जल में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये प्योर टाइप का कंपाउंड होता है और मैंने आपको पहले से बता रखा है प्योर चीज़ें दुनिया में दो ही होती हैं एक तो आपका एलिमेंट और दूसरा जो है दूसरा जो होता है वो आपका क्या है कंपाउंड्स यानी यौगिक है ना इनके अलावा जो है कोई इंप्यूरि मतलब कहीं ना कहीं इंप्यूरिटी रहती है अगला हु डिस्कवर्ड एक्सरेज किरणों की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई एक्स किरणें जो होती हैं वो मेडिकल डायग्नोसिस में रोगों के निदान में इस्तेमाल किया जाता है है ना डिटेक्शन में भी हम इस्तेमाल करते हैं जासूसी में उसके अलावा जो है एक्सरे के में करते हैं है ना कई तरह से उसका यूज है चलिए तो एक्सरे की खोज किसने की पीजीटी की भी क्लास होती है दिन में होती है वो आप देख लें चलिए हाँ भाई वोट शुड बी द आंसर तो एक्सरे की खोज जो है वो किसने की एक्सरे की खोज जो है वो करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था डब्लू रोइंडजन तो याद रखेगा अब जो डब्लू है इस पर बढ़िया वो रहता है डब्लू रोइंडजन कई बार ये पूरा नाम लिख करके एक बार क्वेश्चन आया था कहीं पर और रोइंडजन सब में लिखा हुआ था रोइंडजन सब में लिखा हुआ था और यहाँ डब्लू का मतलब अलग अलग था तो डब्लू का मतलब विलियम रोइन होगा विल हेलम रोइन होगा विलगेट्स है ना विलगिंग रोइन होगा या फिर विल्स रोनजन होगा तो याद रखिएगा यहाँ डब्लू का जो मतलब है वो क्या है विल है क्या है विल हेलम है विलियम नहीं है याद रखिएगा विल हेलम है कई बार ये चार ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं तो इस डब्लू का नाम है ना मतलब समझ के रखिएगा कि डब्लू की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए यहाँ पर अगला है द फ्रूट्स डवलप फ्रॉम ठीक है जो फ्रूट्स होते हैं ट्रू फ्रूट्स वास्तविक फल आर्टिस्ट राज हाँ भाई पीआरटी में ही इन्वॉर्वमेंट आता है जनरल साइंस तो आपका पीआरटी में ज्यादा आता है बट सिक्स टू एट नाइन टू टेन अलेवन टू ट्वेल्थ पीछे तो कहीं नहीं छोड़ेगा नाइन टू टेंथ में कहीं पर भी जनरल साइंस तो सब जगह आएगा हाँ साइंस की बुक भी आपको मिल जाएगी टारगेट विल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां के स्टोर सेक्शन में जाकर के ले लो ना चलो सस्ती मिलेगी उससे अमेजोन से अमेजॉन से भी मिल जाएगी बट हाथ थोड़ा सा डिले पहुंचेगी एंड देर से जाएगी तो चलो तो वास्तविक फल जो विकसित होते हैं वो किससे होते हैं ऑप्शन है आपका जो डंठल होता है नीचे का दूसरा है आपका पेटल यानी पंखड़ी ठीक है देन इसका अगला क्या है अंडाशय ओबरी देन क्या है सैपल यानी वाह्य दल ठीक है तो हम्म तो देखो ऐसे वो फ्रूट्स जो ओवरी से विकसित होते हैं उनको हम वास्तविक फल बोल देते हैं और ऐसे वो फल जो ओवरी के अलावा किसी और चीज से विकसित हो जाए उसी को हम बोल देते हैं ठीक है उसको हम बोल देते हैं क्या अवास्तविक फल बोल देते हैं फोल्स फ्रूट बोलते हैं जैसे एप्पल एप्पल जो होता है वो थैलमस से बनता है नीचे का जो ओबरी के नीचे का जो हिस्सा होता है ना थैलमस उससे बनता है और ये ट्रू फ्रूट नहीं है वास्तविक फल नहीं है समझ रहे हैं ना जो सेब होता है और से कि कितना बढ़िया फल है है ना तो याद रखेगा वो ट्रू फल नहीं है उसी तरह से और भी फल होते हैं फल होते हैं है ना तो कई तरह के फल हैं तो ऐसे वो फल जो ओबरी से विकसित होते है, वास्त हैं वास्तविक फल कहलाते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो ऑप्टन फॉर्म जो पेनिसिलिन है दुनिया की सबसे पहली आ, सबसे पहली एंटीबायोटिक रही है आज भी इफेक्टिव है ठीक है Uh, सुनहली इट्स ओके uh, जो है आप देखते रहिए सुनते रहिए यही आपके एग्जाम में काम में आएगा ठीक है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के मतलब जो है किससे प्राप्त होता है ऑप्शन है आपका एल्गी यानी शवाल से दूसरा है फंजाई कवक से देन कहे जीवाणु बैक्टीरिया देन कहे नील हरित शवल यानी नीले हरित आ, शवाल से ठीक है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है प्रतिजैवी वो किससे प्राप्त की जाती है आ, एल्गी से फंजाई से बैक्टीरिया से ब्लूग्रीन एल्गी से नीलहरी शवाल से ठीक है चलिए तो यहाँ पर तो सही आंसर है वो पेनीसीलियम नोटेटम नाम का एक फंगस था है ना उससे बनाए गए ब्लू ग्रीन एल्गी कौन बता रहा है ये पंजाइस से है ना उसका नाम क्या था पेनीसीलियम नोटेटम नाम का फंगस तभी तो वैक्सीन का ना उसका एंटीबायोटिक का नाम पड़ा क्या पेनीसीलियम पेनीसिलीन समझ रहे हैं ना तो पेनी पेनीसिलियम नोटेटम नाम का फंगस था और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम सबको पता ही होगा अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पूरा बताओ ठीक है चलो तो अगला लास्ट क्वेश्चन आपका रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू तो तो द प्रेजेंस ऑफ ठीक है रश्मि लता रश्मि लता आज दिन में क्लास नहीं हुई थी आज होली थी तो इसलिए नहीं होगी हुई, हुई है ना आपने तो मेरे ख्याल से कल परसों ही एडमिशन लिया है है ना तो वेलकम है आपका टारगेटल पर और सारे वीडियो को एक एक करके देखते रहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा मेहनत करते रहें बस जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको उसी हिसाब से पढ़िए इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है बस पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको जो है मतलब ग्रैप करिए है, है ना उसको बार बार पढ़ के याद कर लीजिए हाँ एलेग्जेंडर फ्लेमिंग वेरी गुड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग टमाटर की लाल रंग की उपस्थिति के कारण मतलब किसके कारण होता है जो लाल रंग होता है ना तो आपको बताना है कि वो किसके कारण होती है टमाटर में जो लाल होता है देखिए ज़्यादातर चीज़ें शुरुआती दौर में पेड़ पौधों की हरी होती हैं वक्ती तौर पर जब वो पक जाती हैं तो उनका रंग बदल जाता है जामुन को देखो शुरू दे देखो देखो, दे में हरी होती है फिर बाद में जामुनी हो जाती है है ना इसी तरह से आप अमरूद को देखो शुरू में हरा बाद में येलोइश हो जाता है टमाटर को देखो शुरू में हरा बाद में जो है कैसा हो जाता है लाल हो जाता है मिर्च को देखो शुरू में हरी बाद में पीली या लाल हो जाती है क्योंकि मिर्च हरी भी होती है लाल भी होती है है ना उसके अलावा अगर देखें बैंगन को शुरू में देखो तो कैसा बाद में तरह तरह के बैंगन के रंग हो जाते हैं तो वक्ती तौर पर जो है रंग बदलता है आम को देखो शुरू में कैसा बाद में कैसा तो जो टमाटर का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है वो होता है लाइकोपिन की वजह से लाइकोपिन की वजह से अब बात कर लेते हैं मेलानिन पिगमेंट की मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारी जो स्किन का कलर होता है और हमारे बालों की जो रूप रंगत होती है वो इसकी वजह से होती है जिन लोगों में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं यू मेलानिन यानी मेलानिन पिगमेंट का ज़्यादा होना और जिनमें कम होता है उसको हम बोलते हैं फ्यू मेलानिन इसका मतलब क्या है मेलानिन पिगमेंट का कम होना तो जिन लोगों का रंग तेज गोरा होता है तो उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है जिन लोगों का थोड़ा सा और हल्का डार्क होगा तो मतलब जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो है मेलानिन पिगमेंट का अमाउंट बढ़ता चला जाता है और जो है बस इसी की वजह से बालों का भी रंग होता है समझ रहे ना आप मिलानी पिगमेंट तो जिन लोगों को आपने देखा होगा बहुत से लोग बिल्कुल जैसे रंग बदलवा लेते हैं अपना पूरी बॉडी का तो वो ऐसे कुछ बॉडी थेरेपी दिलाते हैं स्किन थेरेपी की जिसमें मिलानी पिगमेंट को कम कर दिया जाता है ठीक है जिन लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं उनमें मिलानी पिगमेंट कम होने लगता है अब बालों को अगर देखें जिनमें बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं तो मिलान पिगमेंट है ही नहीं बहुत ही ना के बराबर है और कुछ लोगों के देखें तो जो है सुनहरे बाल होते हैं कुछ के रेशम जुल्फे होती हैं कुछ के जो है काले कुछ के डीप काले तो कुछ के बहुत ही ज़्यादा काले है ना मतलब वही होते हैं तो उसका मेलानिन पिगमेंट ठीक ठाक होता है इसी तरह से स्किन का कलर होता है स्किन का भी जो कलर होगा वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ज़्यादा होता है आ, ठीक है मतलब डार्क कलर आता है जो लोग धूप में ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को धूप के प्रदेश उसमें ज़्यादा रहते हैं अक्सर उनका रंग दब जाता है क्यों क्योंकि मेलानिन पिगमेंट खुद ही स्किन हमारी बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि हम किरणों से बच सकें तो हमें जो है किरणों से आ, ठीक है आ, बचाता है कौन आ, ये मेलानिन पिगमेंट ठीक है ना हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है और क्लोरोफिल की वजह से जो है वो पेड़ पौधों में हरा रंग आता है पेड़ पौधों की कोई सा भी हिस्सा हो किसी भी पार्ट का अगर हरा कलर है तो वो किसकी वजह से मिलान सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से बट एक चीज़ को छोड़ के आलू का जो हरा हिस्सा होता है ना जो आलू होता है आलू का कुछ हिस्सा टुकड़ा मतलब कुछ हिस्सा हरा सा होता है उसे खाना नहीं चाहिए काट के निकाल देना चाहिए दरअसल वो जो होता है वो सोलिनिन होता है सोलोनिन जो होता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जहरीला विशेला पदार्थ होता है उसको नहीं खाना चाहिए तो वो क्लोरोफिल की वजह से नहीं होता वो होता है सोलोनिन की वजह से अदरवाइज ज्यादातर पेड़ पौधों में जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से क्लोरोफिल Uh, की वजह से होता है आई होप यू ऑल गैज एंजॉय द क्लास एंड वी विल मीट टो एंड लेटेड हैप्पी दीपावली टू ऑल एंड इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें आगे बढ़ते रहें एंड भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को आपको एंटरटेन भी कर सकूँ थोड़ा बहुत हंसा सकूँ आपके है ना गमगीन चेहरे पर पूरे दिन की थकान को उतारने के लिए थोड़ा सा चेहरे पर हंसी ला सकूँ वरना मुझे कोई मतलब नहीं बनता तो उसको आप पॉजिटिव लिया करें कि मैं ट्राई करता हूँ कि बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसा दिया जाए तो ये वो भी टीचिंग का एक हिस्सा होता है हमारी ऑफलाइन में क्लास आई में चलती हैं तीन तीन घंटे की ढाई घंटे तीन घंटे की क्लास चलती है तो तीन घंटे कैसे काटेगा इंसान अगर बीच में थोड़ी बहुत मजाक नहीं की जाए तो मैं अक्सर मजाक करता हूँ सारे टीचर ही करते हैं थोड़ा बहुत है ना तो इतना ज़्यादा सीरियस बनने की ज़रूरत है नहीं और तो इसी तरह से आगे जो है बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में सीरियस नहीं रहना चाहिए हाँ फ्यूचर को लेकर के कैसा होना चाहिए सिंसियर होना चाहिए सिंसियर होना अलग चीज़ होती है और सीरियस रहना हर वक्त मुंह बनाए घूम रहे मरीज के जैसा है ना उससे कोई फायदा नहीं है आप जैसा थिंक करना शुरू कर दोगे शक्ल भी वैसे ही होना शुरू हो जाएगी आप हसमुख मिजाज रहिए हसमुख मिजाज जैसा आपका चेहरा रहेगा आप मुँह जो है सा बना करके घूमते रहिए टेंशन लेकर के रहते रहिए आपकी शकल भी सच में देख लीजिएगा वैसे ही होने लगती है जो खोले मनहूस टाइप की शकल लेकर के घूम ना तो सकल ही मनहूत जैसी हो जाती है उनकी और लोग उनसे जो है कतराने लगते हैं समझ रहे हैं ना और वो चेहरा जो है ना आपके अपनों को भी अच्छा नहीं लगता है याद रखना है ना तो मनहूस शकल लेने बनाने की जरूरत नहीं होती है आप अपने टारगेट को लेकर के सीरियस रहिए मतलब मतलब सिंसियर रहिए मुंह को सीरियस बना करके मत घूमें है ना समझ रहे हैं जहाँ हंसने का मौका मिले हंस लीजिए ज़िंदगी दोबारा तो मिलने वाली है नहीं इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने नज़रिए को बदल लो है ना ज़्यादा सीरियस लेकर के आप कहीं के वो तो बन नहीं जाएंगे सीरियस रह करके ही अगर कुछ बनते तो लोग सारे आई बन गए होते है ना अक्सर देखिएगा तो सिंसियर रहना और जय वैसा रहना ठीक है आ, सीरियस रहना दोनों में बहुत फर्क होता है तो आपकी अपनी जिंदगी है आपका अपना मुंह है, है, है आपके अपने फेसियल मसल्स हैं ठीक है आपका अपना सोच विचार है जैसा चाहे वैसा बना लें तो अभी के लिए इतना मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद जय भारत टेक केयर ओके गुड नाइट टू ऑल एंड मिलते हैं कल